श्रीसंत पर बीसीसीआई ने मैच फिक्सिंग के आरोप में आजीवन प्रतिबंध लगाया था, लेकिन कोई दोष साबित नहीं हो सका तो केरल हाईकोर्ट ने उन पर से प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया। हालांकि अभी तक बीसीसीआई ने उन पर से प्रतिबंध नहीं हटाया है। श्रीसंत ने एक मीडिया संस्थान से इंटरव्यू में कहा कि मुझ पर बीसीसीआई ने बैन लगाया है, आईसीसी ने कोई बैन नहीं लगाया। अगर मैं बीसीसीआई से नहीं खेल सकता तो किसी अन्य देश से तो खेल ही सकता हूँ। वैसे भी बीसीसीआई एक प्राइवेट संस्था है, भले ही ये कहा जाता है कि हम भारत की तरफ से खेलते हैं या टीम इंडिया से खेलते हैं, लेकिन सच ये है कि बीसीसीआई एक प्राइवेट संस्था है। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त 34 साल का हूँ, मेरा करियर सिर्फ 4-5 साल का है। मैं क्रिकेट से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं इसे भूल नहीं सकता। इसी बात पर क्रिकेट खिलाड़ी श्रीसंत ने बीसीसीआई को और नाराज कर दिया है। आज श्रीसंत ने एक ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर बीसीसीआई को मिर्ची लग गई। उसने बौखलाहट से कहा कि श्रीसंत ना तो भारत से खेल पाएंगे और ना ही किसी और देश की तरफ से खेल पाएंगे। उन्होंने तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि श्रीसंत किसी भी देश से नहीं खेल पाएंगे, उन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सीके खन्ना ने कहा कि बीसीसीआई की लीगल पोजीशन बहुत साफ है, श्रीसंत किसी भी अन्य देश से नहीं खेल पाएंगे। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।